हेलो एवरीवन गुड इवनिंग वेलकम टू अन अकेडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं मुझे राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर तो शाम की शाम की बज गई है सात और सात बजे क्या होती है हमारी होती है इन्वायरमेंट की क्लास तो अभी हाल ही हम क्या चला रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारा टॉपिक चल रहा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन कल हमने पार्ट वन किया था एयर पोल्यूशन किया था आज एयर पोल्यूशन हम कम्प्लीट कर लेंगे ऑल राइट right, दोस्तों तो शुरू करें क्लास को शुरू करने से पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन है मेरा पूरा नाम धीरज राजप्रोहित है मैंने कई बार यू और आर एस दिया है और पिछले दो साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी आई आर जोग्रफी एनवायरमेंट ऑलराइट right, दोस्तों इसी दौरान मैंने काफी बच्चों की मैंटरिंग भी की है शुरू करने से पहले अन अकेडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं जैसे कि हम हमेशा करते हैं ऑल right, ये मेरे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं ऑल right, उनको अपनी तैयारी अगर नेक्स्ट लेवल लेके जानी है तो वो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं जैसे कि आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलती है ऑल right, ये लाइव क्लासेस होती है यहाँ पर आपका वन टू वन इंट्रैक्शन होता है टीचर के साथ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं दोस्तों आप लाइव क्लास में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं ठीक है फिर आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज और क्विजेज़ होती है ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई होती है जैसा आपका एग्ज़ाम उसी तरह की टेस्ट सीरीज उसी तरह की क्विजेज़ आपसे सॉल्व कराए जाते हैं ऑलराइट right, दोस्तों उसके अलावा आपको आपके होते हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं हमेशा बताता हूँ डाउट क्लियरिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको काफ़ी हद तक डाउट्स आते हैं नो no डाउट मैं जब तैयारी कर रहा था मुझे भी डाउट्स आते थे तब ये जो डाउट क्लियरिंग सेशनस हैं ये आपको वहाँ हेल्प करेंगे क्या है कि आप किताब कुछ पढ़ रहे हैं या फिर आपने कोई लेक्चर देख लिया उस टाइम आपको डाउट नहीं आया बट आप जब वापस रिवाइज कर रहे हैं तब आपको हाल काफ़ी बार डाउट्स आते हैं कि ये क्या हो गया ये कैसे आ गया तो आप ये ये क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट क्लियरिंग सेशनस ये अलग से होते हैं जो दोस्तों लाइव क्लासेस से अलग होती है ये भी लाइव क्लासेज होती है पर लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेज होती है जहाँ आप अपने डाउट्स लेके आएँ और वहाँ लाइव एजुकेटर आपके डाउट्स क्लियर करता है प्लस आपके अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस यानी कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के वीडियो जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी अपनी तैयारी शुरू रख सकते हैं ऑलराइट right, दोस्तों इसके अलावा आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक सिस्टमैटिक वे में कवर किया जाता है आपका टोटल जो भी सिलेबस है पूरी तरह से एक तरह से सिस्टमैटिक वे में कवर किया जाता है अब ये आप सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर अपनी ऐप स्टोर पे जाके जो भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप वहाँ सर्च कीजिए अनअकेडमी लर्निंग ऐप क्या सर्च करेंगे दोस्तों अनएकेडमी लर्निंग ऐप और उसे इंस्टॉल कर लीजिए और उसे इंस्टॉल कर लीजिए उसे इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल बनाइए प्रोफाइल बनाने के बाद मैनेज गोल्स में जाइए आप अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद मैनेज गोल्स में जाएं और अपना गोल चूज़ करें फॉर एग्जांपल हमारे केस में आप स्टेट पीएससी में जाके कर आर पी चूज़ करते हैं क्या चूज़ करते हैं आर पी चूज़ करते हैं उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल खोलिए जिस नाम से आपने अपनी प्रोफाइल बनाई या आपका नाम आ जाएगा जिस नाम से आपने बनाई है वहीं पर आपको ये प्लस का आइकन दिखेगा इस प्लक प्लस के आइकन को आपको क्लिक करना है उसके बाद इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी जिस पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है इसके बाद आपके पास मंथली प्लान्स आ जाएंगे वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर मंथ आप अपने एग्ज़ाम के आप अपनी रिक्वायरमेंट अपनी आवश्यकता के अनुसार आप कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं आपको लगता है कि नहीं मुझे तीन महीने की तैयारी करनी है मेरे तीन महीने बाद एग्ज़ाम है उसके बाद मुझे तैयारी नहीं करनी है मुझे तब तक का ही सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप तीन महीने का ले सकते हैं आपको एक महीने का चाहिए तो आप एक महीने का ले सकते हैं छः महीने का ले सकते हैं एक साल का दो साल का ले सकते हैं बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि जो भी बच्चा अगर सीरियसली तैयारी कर रहा है और लंबे टाइम के लिए तैयारी कर रहा है ना अगर आप समझ लो दो हज़ार में एग्जाम देना चाहते हो दो में भी कोई एग्जाम आ रहा है जैसे ए सी का आ रहा है दो में पटवारी का आ रहा है आर एस का आ रहा है तो ये सब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एक साल का ले लें बिना सोचे एक साल का ले लें आपको नो डाउट फायदा होगा अगर किसी ने ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहा है तो आप उससे पूछिए कि आप कैसे फ़ायदा हो रहा है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे आपको पैसे बहुत कम देने पड़ते हैं सात हज़ार रुपये हैं एक साल के लिए और दो साल के लिए है आठ हज़ार चार सौ जहाँ आप हज़ारों लाखों रुपए ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में दे देते हैं और वहाँ पे भी आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते आपके ना तो डाउट क्लियरिंग सेशनस होते हैं ना आप एक बार जो क्लास में बोल दिया टीचर ने आपका ध्यान अगर कहीं रह गया या आपने क्लास मिस कर दी तो मिस कर दिया आप सिर्फ नोट्स ले सकते हैं वापस ऑलराइट ये सब यहाँ पर नहीं है ये सब आपके लूपल्स यहाँ पर कवर अप हो जाते हैं प्लस आपके पैसे भी बहुत कम लगते हैं ऑल राइट right, दोस्तों ई एम आई भी अवेलेबल हैं आप ले सकते हैं प्लस आपको इतना भी पे नहीं करना है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं धीरेज टेन डी एच आई आर एजे वन जीरो तो आपको इंस्टेंटली टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस मैं आपको गाइड भी करूँगा आपके पूरे एग्जाम के दौरान ऑल राइट दोस्तों और ये टेन परसेंट डिस्काउंट सब पे एप्लीकेबल है आप भले ही एक महीने का लें तीन महीने का लें छः महीने का लें बारह महीने का लें या चौबीस महीने का लें ले कोई भी लें आपके आ, ये कोड सब पे एप्लीकेबल है इवन आप कोई और भी कोर्स ले रहे हैं तो भी ये कोड एप्लीकेबल है ऑल दोस्तों ये तो था मेरा कोड धीरज टेन तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो सब ग्रुप्स में शेयर कर दो कि क्लास स्टार्ट होने वाली है सबको बुला लो कि क्लास स्टार्ट होने वाली फिर अभी स्टार्ट कर लेते हैं क्लास ऑल राइट दोस्तों तो शुरू करें जो भी मेरे दोस्त नए हैं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि आपको जो जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसके नोटिफिकेशन मिल जाएँ और बेल आइकन जब क्लिक करो कर तो इस पर ऑल वाले ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशनस मिलते रहेंगे प्लस लाइक एंड शेयर जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दो यार दोस्तों जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दो फिर करते हैं शुरू ठीक है शुरू करते हैं गुड इवनिंग अंकित ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं एनवायरमेंटल साइंस अपना एयर पोल्यूशन चल रहा है शुरू करते हैं तो कल हम पल्यूशन पोल्यूटेंट्स ले रहे थे है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन सल्फर ऑक्साइड सब हमने कवर अप कर लिया तो आज हम आगे चलते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स यानी कण प्रदूषक ये क्या होते हैं ये बात कर लेते हैं ऑलराइट पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स इज माइक्रोस्कोपिक लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इन द एयर ये क्या होते हैं एक तरह के कण प्रदूषक क्या होता है हवा में निलंबन हो रखा होता है इनका सस्पेंशन हो रखा होता है यानी कि हवा में आप कई बार देखते हो ना हवा में ये उड़ रहे होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं इसलिए हवा में उड़ रहे होते हैं ऑलराइट राइट right? बहुत ही लाइट या तो ये पानी के होंगे या फिर ये सॉलिड हो सकते हैं है ना या तो फिर ये पानी के बन सकते हैं या तरल पदार्थ भी हो सकता है और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोन्स में होता है दोस्तों ये माइक्रोन्स में इन्हें कहना जाता है माइक्रोन्स यानी वो जो उसकी डायमीटर देखते हैं और माइक्रोन्स मतलब टेन टू द पावर माइनस सिक्स इतना कम माइक्रोन्स इतने कम बहुत ही छोटे कण होते हैं ऑल right? सबसे ज़्यादा जो हम सुनते हैं वो क्या सुनते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 ये दो आपने सुना होगा काफ़ी बार ऑल right? ये आगे देखेंगे सबसे ज़्यादा इसके ऊपर मेजर करते हैं हम दोनों को ऑल right? सबसे ज़्यादा जो है वो टेन और टू जो है हानिकारक होते हैं ऑल right दोस्तों तो ये होते क्या है पार्टिकुलर पल्यूटेंट्स uh, ये एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे कण होते हैं बहुत छोट छोटे छोटे कण होते हैं ये तरल पदार्थ के भी हो सकते हैं सॉलिड भी हो सकते हैं और ये हवा में क्या होते हैं सस्पेंड हो रखे होते हैं यानी हवा में तैर रहे होते हैं ऑलराइट right, इसको कहते हैं पार्टिकुलेट पल्यूटेंट्स ये कहाँ से निकल सकते हैं दोस्तों जैसे कि स्मोक हमने कल ही बात करी थी गाड़ी से जो स्मोक निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है यानी कि उसकी पूरी तरह से वो जब नहीं जलता है कोई ईंधन या फिर कोई लकड़ी तो क्या क्या निकलता है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन मोनोऑक्साइड और राइट right? तो आपने देखा था कि गाड़ी के जो एग्जॉस्ट है उसमें से कैसा निकलता है धुआं काला या ब्राउन कलर का धुआं निकलता है है ना उसका कलर जो है वो एक्चुअली पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स की वजह से ऐसा कलर होता है वो काला काला कलर जो होता है वो एक्चुअली स्मोक का होता है ऑल राइट right? और ये पार्टिकुलेट पल्यूटेंट्स की वजह से ऐसा होता है ऑल राइट right? ये कहाँ से निकलता है मोस्टली व्हीकल एमिशन से निकलता है ऑल राइट फैक्ट्रियों से निकलता है ऑल राइट फैक्ट्रियों से निकलता है थर्मल जो पावर प्लांट्स हैं उनमें से निकलता है और ये मेन सोर्स है हेज़ का यानी धुंध जो धुंध होती है उसका ये मेन सोर्स है यानी उसका मेन स्रोत है और राइट पार्टिकुलर पोल्यूटेंट्स कल हमने बात करी थी स्मॉग वगैरह तो ये क्या है हेज़ हेज जो धुंध होती है धुंध के साथ ये जो पार्टिकुलर पोल्यूटेंट्स है ये साथ में मिल जाते हैं धुंध के साथ और काफ़ी हद तक जो विजिबिलिटी खत्म कर देते हैं है ना जो आपको दिखता नहीं है दूर दूर तक का दिखता नहीं है इसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं दोस्तों आपने देखा होगा दिल्ली आ, क्या हाईवे है दिल्ली के आसपास का जो हाईवे है दिल्ली पंजाब ये साइड में क्या है धुंध काफ़ी हद तक धुंध फैल जाती है तो वो क्या है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है अगला देख लेते हैं अपन स्मॉग स्मॉग यानी कि धुआंसा हिंदी के अंदर इसको कहते हैं धुआं धुआँसा ऑलराइट पहली बार स्मॉग वर्ड का यूज़ जब किया गया था कब किया गया था नाइनटीन नाट फाइव में यूज़ किया गया था ऑलराइट किसने किया था डॉ डॉक्टर हैंनरी एंटोइन दे वोइ ऑलराइट किसने किया था डॉक्टर हैंनरी एंटोइन दे वो ऑलराइट ये कहा कि ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं दोस्तों ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं इन्होंने नाइनटीन नॉट फाइव में पहली बार स्मॉग शब्द का यूज़ किया था और स्मॉग शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया था दो चीज़ों को बताने के लिए स्मोक प्लस फॉग दो चीजों को जोड़ के बनाया था इन्होंने ऑल राइट right. और इसको कह दिया था स्मोग स्मोक यानी कि अपना धुआं जो होता है ऑल राइट right. और फॉग यानी कि धुंध इन दोनों को मिला के स्मोग एक तरह का पॉल्यूशन दिखाने के लिए कहा था इन्होंने कि जैसे स्मोक जो निकलती है धुआं जो निकलता है फैक्ट्री से गाड़ियों से ये क्या अपनी धुंध के साथ मिक्स होकर ये स्मोक बना लेता है जो कि और डेंजरस होता है पहली बात तो ये विजिबिलिटी खत्म कर देता है ऑल राइट right. पहली बात तो ये विजिबिलिटी खत्म कर देता है यानी कि आपको दूर का दिखता नहीं है दूसरा ये आपके हेल्थ हैजर्ड हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है है ना इसको अगर ले लो तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी हद तक काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है इसके अंदर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग यानी प्रकाश रासायनिक धुआँसा और राइट वैसे इसको फोटोकेमिकल स्मॉग जो मेरे दोस्त हैं हिंदी मीडियम से वो फोटोकेमिकल स्मॉग से भी याद रखें कई बार एग्जाम में क्या पता ये एग्जाम में सिर्फ फोटोकेमिकल स्मॉग ही लिखते हैं ऑल राइट right. वैसे इसका हिंदी नाम क्या होता है प्रकाश रसायनिक धुआंसा ऑल राइट right. अब ये फोटोकेमिकल स्मोक क्या होगा दोस्तों स्मोक तो आप समझ गए ये स्मोक और फॉक का मिक्सचर है एक तरह का फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है दोस्तों ये एक्चुअली बनता है जब एटमोसफियर में नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड डाईऑक्साइड हो सकती है कोई भी ऑक्साइड हो सकती है इसमें मोस्टली नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑलराइट right. नाइट्रोजन डाईऑक्साइड जो नेचुरली प्रेजेंट होती है नेचुरल नेचुरली प्रेजेंट होती है या फिर ये व्हीकल uh, के एमिशन से भी निकल जाती है मतलब गाड़ियों के जो धुआं होता है उससे भी निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऐसे भी एटमोसफेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है यानी सूरज की किरणें सनलाइट है ना सनलाइट में खास करके अल्ट्रा वायलेट रेस अगर इसे लगती है अल्ट्रा वायलेट लाइट वैसे सनलाइट नॉर्मली आप गिन लो अगर सनलाइट नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स ये सब मिलकर जब रिएक्ट करते हैं दोस्तों तो ये क्या है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं है ना कल हमने बात करी थी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना लेते हैं और मोस्टली इससे क्या निकलता है ओजोन मोस्टली क्या निकलता है ओजोन तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है इस स्मोक का मेन कॉन्स्टूंट जो है वो ओजोन है ओजोन ऑलराइट right, क्या है ओजोन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है याद रखना ये ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं आपको कि फोटोकेमिकल स्मोक का मेन कंपोनेंट जो है है ना वो ओजोन है तो आपको याद रखना है कि हाँ वो इसका मेन कंपोनेंट है मतलब बड़ी बड़ी मात्रा में ओजोन प्रेजेंट होता है इसके अंदर किसमें फोटोकेमिकल स्मोक में और ये ओजोन कैसे बनता है एटमॉस्फेयर में हमने बात करी थी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन जो प्रेजेंट होता है ओतरी प्रेजेंट होता है वो अपने काम का है क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेस को रोक लेता है बट ये जो ओजोन है नीचे धरती पर ये हमारे काम का नहीं है ये हमारे काम का नहीं है ऑल क्यों क्योंकि ये यहाँ पे ये काफ़ी हार्मफुल है अगर ये काफ़ी हार्मफुल है काफ़ी हद तक ये क्या है कि हमारे जो आ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है है ना आँखों में जलन हो सकती है हमने बात करी थी कि आ, आँखों में जलन हो सकती है आपके यहाँ सांस नली के अंदर जलन हो सकती है आपके फेफड़ों में जलन हो सकती है फेफड़ों की कोई बीमारी हो सकती है और राइट तो ओजोन यहाँ पर नीचे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जो नीचे है ट्रोपोस्फियर में ओजोन और और वो ओज़ोन नेचुरली प्रोड्यूस कैसे होता है एनो से है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन्स और किसकी प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये मोस्टली समर के टाइम में होता है दोस्तों समर के टाइम में ज्यादा होता है अगर एग्जाम में पूछ ले तो ये बात याद रखना कि ज्यादा प्रेवलेंट कब होता है समर में सनलाइट ज्यादा होती है उस टाइम पे तो ये समर के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होता है ऑल राइट मोस्टली ये वैसे अपने यहाँ पे कहाँ पे दिल्ली और इस साइड में देखने को मिलता है बट बाहर भी काफ़ी जो पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं है ना जिसमें जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है जैसे लॉस एंजल्स हो गया यूएस में बीजिंग हो गया आपका चाइना में तो ये सब जो सिटीज़ हैं यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मॉक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और दो वक्त देखने को मिलता है एक तो मॉर्निंग में एक तो मॉर्निंग में देखने को मिलता है और एक इवनिंग में शाम को देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा क्यों क्योंकि इस टाइम गाड़ियाँ चलने लग जाती है बहुत ज़्यादा ऑल राइट ठीक है दोस्तों तो ये बात हो गई हमारी फोटोकेमिकल स्मॉग की हमने बात कर ली इसका प्राइमरी कंपोनेंट क्या है ओजोन है ऑल राइट और कैसे बनता है ये देख लिया हमने ठीक है ये देख लो दोस्तों एक मैंने ये डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट कर रखा है इसको ऑल राइट देखो सोलर रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है ओजोन बनने के लिए ग्राउंड लेवल पर ऑल राइट और फोटोकेमिकल स्मॉग ये फोटोकेमिकल आप दिख रहा है फ़ोटो ये फोटो नाम ही एक्चुअली सनलाइट की वजह से हुआ है फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल स्मॉक तो इसके अंदर आप नाम से ही देख सकते हो कि सनलाइट जरूरी है इसके लिए तो सनलाइट नाइट्रोजन ऑक्साइड ये क्या करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को तोड़ देता है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी एन ओ नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन का एक, एक एटम और ऑक्सीजन को एक अलग निकाल देता है ये अकेला ऑक्सीजन होता है ये अकेला ऑक्सीजन क्या करता है क्या जो हवा में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ओ टू है उसके साथ वो रिएक्ट करता है प्लस और फिर ये बनाता है ओजोन ओ थ्री ऑल राइट आप समझ गए आप ये बना देता है ओजोन काफ़ी अलग चीजें बनाता है है ना नाइट्रिक एसिड भी बनाता है एच एन ओ थ्री जो कि एसिड रेन की के, आ, तरह गिरती है नीचे जब भी बारिश होती है हो तो ये क्या एसिड रेन की तरह गिरती है ऑलराइट पैन right. और एडलाइट सामने कल बात करी थी इसके बारे में ऑलराइट right. अब इफेक्ट्स ऑफ स्मोक देख लेते हैं स्मोक का असर देख लेते हैं क्या है गुड इवनिंग जोया ठीक है दोस्तों इफेक्ट ऑफ स्मोक देख लेते हैं स्मोक का असर क्या है अभी एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहले तो ये विजिबिलिटी कम कर देता है यानी आपकी दृष्टता कम कर देता है यानी जो देखने की क्षमता होती है देखने की क्षमता ऐसे नहीं कि हमारी आंखें कमजोर हो गई आंखें कमजोर तो वैसे भी ये करता है आंखें मतलब आंखें जलाता है वो सब तो करता है बट आपको कैसे दिखता है कि धुंध हो जाती है ऑल राइट स्मोक की वजह से क्या हो गई धुंध हो गई तो आपको दूर का कुछ दिखता नहीं है तो काफ़ी हद तक इससे दिक्कत होती है काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं इसकी वजह से ऑल फिर आपके रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती है लंग डिसीजेज होती है यानी फेफड़ों की बीमारियाँ होती है काफ़ी हद तक है ना और फिर आपके क्या होता है डिक्रीजेस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑल राइट ये आप सब टिक कर दोगे एग्जाम में पूछ लेंगे और आपको बता देंगे इफेक्ट क्या है स्मोक का स्मोक का असर क्या है और फिर आप देख लोगे कि यार पहला असर सही है ये तो uh, स्मोक है असल में स्मोक और फॉग दोनों है तो ये तो विजिबिलिटी uh, कम कर देगी हमको दूर का दिखेगा नहीं ठीक है आप देख लोगे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो जाएगी डिसीजेज हो जाएगी आप ये भी मान लोगे तीसरा आपको बताएंगे डिक्रीजेज दी अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन यानी कि यू वी रेज जो है इसकी रेडिएशन कम कर देता है ये है ना यहाँ पे आते हुए यूवी रेडिएशन कम कर देता है या आप कह सकते हो सनलाइट कम कर देता है तो ये बिल्कुल है यू वी रेडिएशन कैसे कम कर देता है ये आपके जो एक तरह से स्मॉग हो जाती है उसके बाद क्या है सनलाइट आ पाती है अगर आप कभी देखोगे ऐसे सुबह सुबह अगर देखोगे बहुत जल्दी अगर कभी उठ के आप देखो कोहरा सर्दियों में जो कोहरा छा जाता है तो अपने सूरज भी उगता है तो एक टाइम के लिए क्या एकदम से सूरज की किरणें आपके पास नहीं आती अंधेरा सा रहता है ऑल राइट right. तो ये याद रखना है पॉइंट डिक्रीजेस अल्ट्रावाइलेट रेडिएशन और क्या है दोस्तों ये क्या करता है विटामिन डी का प्रोडक्शन में कमी कर देता है विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें सनलाइट से मिलता है ऑल राइट विटामिन डी कहाँ से मिलता है नेचुरल हमको सनलाइट से मिलता है ऑल राइट विटामिन डी और अगर ये नहीं होने से रिकेट्स हो जाते हैं दोस्तों एक बीमारी होती है हड्डियों की बीमारी होती है हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो विटामिन डी और हड्डियों का रिलेशन है एक्चुअली विटामिन डी आपका कैल्शियम के साथ कैल्शियम को पचाने में काम आता है ये ऑल राइट जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती है तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है ऑल राइट right. अगले टॉपिक पर आ जाते हैं दोस्तों अगला टॉपिक है अपना फ्लाई एश बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ एग्जाम्पल्टूज फ्लाई ऐश है क्या दोस्तों फ्लाई ऐश एक्चुअली अपने जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट थर्मल प्लांट्स होते हैं ना उसमें से जो धुआं निकलता है आपने देखा होगा कई बार है ना धुआं निकलता है इस धुआँ बहुत ही काला और डार्क सा होता है इस धुएं के साथ क्या निकल जाता है कई बार फ्लाई ऐश यानी कि ये क्या होती है राख होती है असल में और थर्मल पावर प्लांट्स में जो अपन पल्वराइज पल्वराइज कोल यूज़ करते हैं ऑलराइट पल्वराइज कोल क्या होता है दोस्तों एक्चुअली जो पाउडर होता है है ना कोल जो होता है जो अपना कोयला है इसको पाउडर बना देते हैं All right, इसको पाउडर बना के और फिर जलाते हैं जो जो होते हैं हैं हैं, ना हमारे, thermal power plants. Thermal power plants, electricity produce करते हैं दोस्तों। ये पहले कोल को जलाते हैं। उसकी जो गर्मी होती है, उससे जो पानी को गर्म करते हैं फिर वो जो स्टीम है वो जाके क्या करती है रोटर घुमाती है और उससे क्या होता है बिजली उत्पन्न होती है ये पूरा प्रोसेस है साइंस का ऑल राइट right, हम अभी इतना समझ लेते हैं कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं मोस्टली कोल यूज करते हैं हमारे यहाँ पे कम से कम सेवेंटी परसेंट जो है जो थर्मल पावर पावर प्लांट्स हैं ऑलराइट right? मतलब पावर जो जनरेट हो रही है मेनली सेवेंटी परसेंट हमारे कहाँ से हो रही है जो आपके हो रही है मोस्टली थर्मल और इन से है ना कन्वेंशनल सोर्सेस है और उसके भी नाइन्टी परसेंट तो कोल से हो रही है ऑल तो कोल एक्चुअली यहाँ पे यूज़ करते हैं ना तो ये कोल क्या है डायरेक्ट वो कोयला यूज़ नहीं करते कि बड़े बड़े आ, मतलब बड़े बड़े पत्थर जैसे हो या फिर ऐसे कोयला यूज़ नहीं करते उसको पाउडर बना देते हैं पहले उसको पाउडर बना के और फिर जलाते हैं अब दोस्तों इसको पाउडर क्यों बनाते हैं इसको पाउडर इसलिए बनाते हैं ताकि अच्छे से जल पाए जितना बारीक पाउडर होगा उतना ही अच्छा वो जल पाएगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा ऑल राइट तो इसलिए थर्मल पावर प्लांट्स में क्या करते हैं दोस्तों ये कोल को पाउडर बना लेते हैं और फिर जलाते हैं इसे ऑल राइट right. इसके कारण क्या होता है वो पाउडर है पहले से ही तो उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो जलने के बाद जो भी ऐश बचेगी वो क्या होगी राख ऐश का मतलब क्या है राख ऑल राइट तो ये फ्लाई ऐश क्या है दोस्तों क्या होता है कि वो जो इसके साथ फ्यूम्स भी निकलती है धुआं भी निकलता है तो धुएं के साथ काफ़ी ऐश जो राख होती है बहुत ही हल्की और एकदम आ, आ, हल्की सी होती है तो ये उसके साथ क्या है हवा में उठ जाती है और ये चिमनी से बाहर या चिमनी से होते हुए बाहर निकल जाती है इसको तो कहते हैं फ्लाई ऐश और जो ऐश जो राख भारी होती है जो नीचे गिर जाती है ऊपर नहीं उठ पाती नीचे गिर जाती उसको कहते हैं बॉटम ऐश उसको क्या कहते हैं बॉटम ऐश ऑल दोस्तों तो ये मोस्टली जो बॉयलर्स होते हैं या बॉयलर्स लगे होते हैं जिसके अंदर इसको जलाया जाता है वहाँ बॉयलर्स से उठ के चिमनी में जो निकल जाती है उसे तो फ्लाई ऐश कहते हैं ऑल राइट और फ्लाई ऐश को जनरली यहीं पर रोक देना चाहिए नहीं तो इसकी काफ़ी दिक्कतें हो है, सकती हैं हम देखेंगे आगे क्या है आप देखो फ्लाई ऐश के अंदर मोस्टली होता क्या है ये एक्चुअली ऑक्साइड्स होते हैं इसके अंदर ऑक्साइड्स काफ़ी ऑक्साइड्स होते हैं सिलिका ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरह के और कुछ टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी होते हैं कुछ टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी होते हैं ताकि जैसे लेड आर्सेनिक कोबाल्ट कॉपर इस तरह के भी मेटल्स इसमें पाए जाते हैं मोस्टली ये याद रखना कि ये ऑक्साइड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं ऑक्साइड्स होते हैं राइट ठीक right. है दोस्तों नेक्स्ट जनरली इसे कैसे कैप्चर किया जाता है यानी कि इसको कैसे कैप्चर किया, किया जाता है इसको कैप्चर किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेस Pre प्रेसिपिटेटर्स ये क्या होता है दोस्तों इसको लगाते हैं चिमनी पे ये समझ लो ये चिमनी है तो यहाँ क्या है ये यहाँ पे लगा देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या फिर समझ लो यहीं पे लगा देंगे और ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से उससे क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा ऑल राइट ये क्या करेगा कि धुएँ को तो जाने देगा जो धुएँ में से जो धुएँ को तो जाने देगा बट जो कण है उसमें से कोई भी पार्टिकल्स हैं है ना धुआं तो मतलब गैस को एकदम पतली गैस है उसको तो जाने देगा बट जो भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को क्या करेगा ये ये यहीं पे प्रेसिपिटेट कर लेगा यानी कि क्या है उसे यहीं पे अट्रैक्ट करके और उसे नीचे बिठा देगा उसे नीचे गिरा देगा ऑलराइट right? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी यूज करने से होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि ये आपका क्या करता है एक तरह से इनको चार्ज कर देता है ये एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करके एक तरह से मैग्नेटिक रेडिएशन बनाता है वहाँ पे है ना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये इनको चार्ज कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज कर देता है चार्ज होने से क्या होता है ये नीचे अट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे कोई एक फील्ड रख देंगे इसको जिस वे में चार्ज करेगा उसके ऑपोजिट यहाँ पर फील्ड होगी और ये जाके यहाँ पर गिर के सेटल हो जाएंगे ऑल राइट right, इस तरह का ये यूज़ करते हैं चिमनी के अंदर ठीक है और इसको चिमनी तक पहुँचने से पहले ही यहाँ पर बाहर से निकलने से पहले ही ये चीज़ सेटल कर देनी चाहिए ठीक है दोस्तों इसके इफेक्ट्स क्या क्या है फ्लाई फ्लायश के अभी देख लेते हैं हम हम बात करते हैं इफेक्ट्स की ये क्या कर सकता है कैन पल्यूट एयर एंड वाटर अगर इसे कैप्चर नहीं किया गया अगर इस पर रोकथाम नहीं गई की गई अगर इसे छोड़ दिया गया हवा में तो ये क्या कर सकता है ये आपके पल्यूट कर सकता है एयर या वाटर को ऑलराइट right, दोस्तों एयर या वाटर को पल्यूट कर सकता है और क्या कर सकता है ये रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकता है लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है फिर आपके जो प्लांट यील्ड है है ना पैदावार जो है पौधों की पैदावार में कमी आ सकती है कैसे आ सकती है एक्चुअली ये जो फ्लाई एश जब बाहर निकलता है चिमनी से बाहर निकल गया ऑल राइट right, बाहर जाके क्या होगा ये सेटल हो जाएगा नीचे ज़मीन पे ज़मीन पे हो जाएगा अगर कोई पौधा है तो पौधे के ऊपर उसके पत्तों पे और उसके सब जगह उसके पत्तों पे और सब जगह क्या होगा सेटल हो जाएगा ये और ज़मीन पे भी हो जाएगा तो इससे क्या क्या, क्या होगा एक तो ये फोटोसेंथसिस नहीं कर पाएंगे प्लांट्स क्यों क्योंकि इनकी स्किन जो है इनके जो लीफ है पत्तों पे जो हरा हरा कलर होता है क्या सनलाइट सीधी गिरती है तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है पर अगर उसके ऊपर कुछ रख दोगे आप है ना जैसे ये फ़्लाई ऐश उसके ऊपर एक लेयर बना देगी तो क्या करेंगे सनलाइट उस पर आ नहीं पाएगी फोटो सिंथिस हो नहीं पाएगा और इनकी पैदावार में क्या आएगी कमी आ जाएगी दोस्तों समझे आप इस तरह से और ज़मीन भी खराब कर देता है काफ़ी हद तक जो ज़मीन है ज़मीन पर भी एक लेयर बना देता है तो काफ़ी हद तक खराब भी कर देता है ऑल राइट अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं इसके कुछ काम भी हैं बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल टू फीस याद रखना आप है ना कई बार पूछते हैं ये और अच्छा भी है देखो फ्लाई ऐश के जो घाटे तो आपने देखे जब अगर उसे छोड़ दिया जाए अगर उसे कोई नियंत्रण नहीं किया जाए उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जाए और वो एटमोसफियर में फैले फैलता जा रहा है तो उसके काफ़ी घाटे हैं पर उसके फ़ायदे कैसे हैं उससे अगर हम कलेक्ट कर लें उसे हम कलेक्ट कर लें तो हम उसको यूज़ में ले सकते हैं सबसे पहले हम सीमेंट में यूज़ में ले सकते हैं वो सीमेंट को रिप्लेस कर सकता है दोस्तों इसके अंदर मैंने बताया था आपको क्या है सिलिका है ना सिलिका सिलिका ऑक्साइड्स हैं सिलिका ऑक्साइड्स हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं तो ये क्या है काफ़ी हद तक पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है हमारी उसको ये आ, रि, रिप्लेस कर सकता है है ना पैंतीस परसेंट तक 35% परसेंट तक जो हमारे सीमेंट है उसके अंदर हम ये यूज़ कर सकते हैं ऑलराइट कंस्ट्रक्शन right, में तो अपना क्या हो गया कॉस्ट कम हो गई कंस्ट्रक्शन की रोड बनाने की जहाँ पे भी हमारे सीमेंट काम आ रहा है उसमें क्या होगी कॉस्ट कम हो जाएगी ये तो क्या एक तरह से वेस्ट था फ्लाई एश, उसको हम यूज़ कर सकते हैं ऑलराइट right, उसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं सबसे पहले तो सीमेंट में पैंतीस तक सीमेंट को रिप्लेस कर सकता है ये ऑल राइट right, जैसे आपके 100 किलो अगर सीमेंट है तो उसमें से 35 किलो हटा दो 35 किलो आप फ्लाई एश यूज़ कर लो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम कमज़ोर नहीं होगा वो उतना ही इफेक्टिव रहेगा ऑल राइट right, और फिर बाद में ये इसके ब्रिक्स भी बनाते हैं हम ब्रिक्स ब्रिक्स बनाते हैं इसके समझिए आप ईंटें ईंट बनाते हैं इसकी और इसकी ईंट काफ़ी हल्की होती है और इसकी काफ़ी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होती है ड्यूरेबिलिटी यानी काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलते हैं ऑलराइट राइट right, तो ये भी है एक अपना इंपॉर्टेंट इसकी फ्लाई एश ब्रिक्स काफ़ी आपको देखने को भी मिली होगी कहीं ना कहीं आपने देखी होगी ये एक्चुअली कलर भी इसका थोड़ा ऐसे मटमैला सा ग्रे ग्रे सा कलर होता है ऑलराइट right, दोस्तों ये हो गया फिर आपके क्या हो सकता है ये काम में आ सकता है आपके फिल मटीरियल में ऑलराइट फिल मटीरियल बोले तो जो आपके रोड एम्बेकमेंट्स हैं यानी कि रोड आप देखते हो जब रोड बनती है तो रोड के साइड में ऐसे ये एक उठावा सा हो, होता है पायदान आपने देखा होगा रोड के साइड में है ना ये जो है ये जो एम्बैकमेंट्स बनाए हैं ये एम्बैकमेंट्स में एक्चुअली हम यूज़ कर सकते हैं फ्लाई ऐश ऑल राइट यहाँ पर हम फ्लाई ऐश डंप कर सकते हैं वहाँ एम्बैकमेंट्स बना सकते हैं तो ये एक तरह से यहाँ पे यूज़ हो सकता है प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट है ये इसको एबैंड जो माइंस है जो अपने कोल माइंस है या कोई भी अपनी माइंस है है ना जो अपनी माइंस हैं खान है वो क्या है कई सारी जो खान में से जितना हमको निकालना था हम निकाल दिए तो फिर क्या है उसे छोड़ देते हैं ऑलरेडी जो अबेंडेंड होती है है ना जिसे हमने छोड़ दिया गया तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं वहाँ हम इसको भर सकते हैं देखो यहाँ क्यों भरने की जरूरत है वहाँ कोल माइन को जब कोल माइन या फिर कोई भी माइन आप कोई भी मिनरल माइन है कोल माइन है जब उसमें उस से मिनरल या कोल हम निकाल लेते हैं और उसे जब अबेंडन कर देते हैं छोड़ देते हैं तो वहाँ क्या हो सकता है वहाँ पर जो अंदर से हमने पूरा खोद रखा है तो खोखली होने से क्या है? से जमीन धस सकती है, उससे काफी हो सकती है हो जाएगा और वहां क्या है? बारिश आए कुछ भी आए तो पानी इकट्ठा हो सकता है गंदगी फैल सकती है काफी हद तक नुकसान ही नुकसान है तो ऐसे क्या कर सकते हैं कि जो खड्डा हो रहा है या फिर जो भी माइन है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं फ्लाई ऐश हम उसमें भर सकते हैं उसमें भर देंगे उसको फिल कर देंगे तो क्या होगा एक तरह से जमीन क्या रहेगी स्टेबल रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए ऑल right दोस्तों तो ये पॉइंट्स याद रखना मैंने जो बताया आपको सीमेंट पे रिप्लेस कर सकते हैं ब्रिक्स यानी ईट बना सकते हैं फिल मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं रोड के साइड में एम्बैकमेंट्स बनाने के लिए प्लस आपके जो खाने हैं जो आपने हमने छोड़ रखी हैं अबेंडन कर दिया जिन्हें उन्हें भी हम फिल कर सकते हैं ऑल right दोस्तों इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑलरेट वायु प्रदूषण के प्रभाव देख लेते हैं एक एक जल्दी से हेल्थ इफेक्ट्स आपको इतना हमने देखा तो उसमें आपको पता चल गया होगा हेल्थ इफेक्ट्स है लंग डिसीज हो सकती है आपको अस्थमा हो सकता है और कई तरह के कैंसर हो सकते हैं काफ़ी बीमारियां फैल सकती है हेल्थ पे तो काफ़ी असर पड़ सकता है इंसानों पर नहीं जानवरों पर भी प्लस आपके वेजिटेशन पर असर देख लिया आपने ऑलराइट वेजिटेशन पर भी असर पड़ता है कैसे पड़ता है काफ़ी हद तक ये फोटोसिंथेसिस कम कर देता है पैदावार कम कर देता है कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स भी हैं जो क्या करते हैं जो पेड़ के अंदर पत्ते जल्दी झड़ जाते हैं या फिर पत्ते ढंग से उग नहीं पाते या फ्रूट्स उग नहीं पाते हैं फल उग नहीं पाते हैं फूल फल उसमें उग नहीं पाते ढंग से या फिर जल्दी से उग के और गिर जाते हैं तो ये सब इफेक्ट भी इसको हमको देखने को मिलता है ऑल right, फिर आपके इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स वही हैं जो अपने हेल्थ इफेक्ट्स हैं एनिमल्स के भी काफ़ी हद तक बीमारियाँ फैल सकती है और ये बीमारियाँ ह्यूम्स में भी आ सकती है अगर आप एनिमल कंज्यूम करते हो मतलब कि अगर कोई मांसाहार मांसाहारी है और वो अगर एनिमल कंज्यूम करता है तो ये बीमारी वहाँ से आगे फैल सकती है और ये एयर पोल्यूशन में जो हैवी मेटल्स हैं ये सब क्या होता है ये अंदर जाके जब इसको बीमार करे तो ये आगे भी फूड चेन में फैल सकते हैं ऑलराइड डिटेरेशन ऑफ मटीरियल्स यानी कि जो हमारा सामान वगैरह है ये भी ख़राब हो जाता है एयर पोल्यूशन में आपने देखा होगा बाहर से अपने जो दीवारें हैं ये ख़राब हो जाती है काफ़ी हद तक जो अपने मेटल्स वगैरह हैं ये खराब हो जाते हैं ऑल राइट काफ़ी हद तक जो भी हमारे मटीरियल्स हैं ये भी खराब होते हैं एस्थेटिक लॉस एस्थेटिक लॉस यानी जो हमें सुंदरता है हमारे पर्यावरण की जो सुंदरता है ये भी खराब हो जाती है ऑल राइट right, दोस्तों ये तो हो गया हमारे इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स देख लेते हैं नियंत्रण कैसे कर सकते हैं इस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं सबसे पहले तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पोल्यूटेंट्स को यानी जो हमारे प्रदूषक हैं इन्हें हम नष्ट कर सकते हैं कैसे थर्मल या थर्मल या कैटलैटिक कंबशन से राइट right. यानी उसे जला दे कैसे जलाएं उसे कैसे जलाएं या तो थर्मल थर्मल थर्मली कैसे मतलब हीट से थर्मल का मतलब तो सिंपल है कि उसको जला लें हम जैसे कि नॉर्मल हम जलाते हैं कैटलेटिक कम्बसन क्या होता है दोस्तों इसमें ऐसा कोई हम कैटलेटिक यूज़ कर सकें उत्प्रेरक यूज़ करें जिससे क्या है कि वहाँ रिएक्शन बढ़ जाए और हीट प्रोड्यूस हो बहुत ज़्यादा और उस हीट में क्या हो उस हीट में ऐसे पोल्यूटेंट्स जल जाएँ ऑल राइट ये दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं मतलब जला खत्म कर सकते हैं पोल्यूटेंट्स को दूसरा हम क्या कर सकते हैं पोल्यूटेंट्स जो है हमारे प्रदूषक जो है इनको थोड़ा लेस टॉक्सिक बना दें ऑल राइट इनका परिवर्तन कर दें कि ये इतने ज़्यादा इसमें टॉक्सिक ना हो कम टॉक्सिक हो जाए ऑल राइट कि अभी समझ लो कि ये टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है बट हम इसके ऊपर कुछ आ, कोई केमिकल यूज़ कर लेते हैं कुछ यूज़ करते हैं उस पोल्यूटेंट पे जो वो लेस टॉक्सिक हो जाता है तो वो उतनी हानि नहीं करेगा जितनी हानि वो कर रहा है और तीसरा क्या है हम उसको कलेक्ट collect करें कलेक्शन ऑफ पोल्यूटन ये सबसे इंपॉर्टेंट है पहली बात तो हम उसको कलेक्ट कर लें कलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम सोच सकते हैं इसके बारे में क्या करें इसको लेस टॉक्सिक बनाएं इसे डिस्ट्रॉय कर सकें अगर जो भी हमारे पास हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करके इसे कैसे हम खत्म कर सकते हैं ऑलराइट right, सबसे पहले उसे कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है अब कंट्रोल देखो कंट्रोल एक तो पार्टिकुलेट मैटर को देख लेते हैं सबसे पहले जो हमारे कण प्रदूषक हैं इन पे कैसे नियंत्रण पा सकते हैं हम इसके लिए दो तरह के डिवाइस है दोस्तों दो तरह के डिवाइस यूज़ किए जाते हैं दो तरह के डिवाइस यूज़ किए जाते हैं आपके फैक्ट्रीज में थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोल माइन्स हैं कहीं पर भी जहाँ पर भी ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं वहाँ दो तरह के डिवाइसेज यूज़ किए जा सकते हैं एक तो अरेस्टर्स अरेस्टर्स क्या है दोस्तों ये एक्चुअली क्या करता है ये सेपरेट कर देता है पार्टिकुलेट मैटर्स को फ्रॉम कंटेमिनेटेड एयर यानी जो प्रदूषित हवा है वायु है उसमें से जो पार्टिकुलेट मैटर है जो हमने पार्टिकुलेट मैटर्स की बात करी थी कण प्रदूषक की बात करी थी इनको अलग कर देता है ये क्या करता है ये एक तरह से आप समझ लो कि एक मशीन है ठीक है अब इसके अंदर समझ लो यहाँ पे इनकमिंग है ये इनकमिंग एयर है जो आपकी प्रदूषित हवा है वो यहाँ से आ रही है और दूसरी हवा यहाँ से निकल रही तो ये क्या करेगा इस हवा के अंदर यहाँ मशीन में इसको किसी भी तरह से इलेक्ट्रोस्टेटिकली कर सकता है केमिकली कर सकता है कैसे भी जो भी अप्लाई करके और इसको अरेस्ट अरेस्टर्स क्या है अरेस्ट कर लेता है किसको पार्टिकुलेट मैटर्स को पार्टिकुलेट मैटर्स को यहीं रहने देता है सिर्फ जो दूसरी हवा है उनको यहाँ से निकलने देता है एक तो हो गया आपका अरेस्टर्स दूसरा हो गया आपका स्क्रबर्स स्क्रबर्स क्या होता है दोस्तों दिस आर यूज टू क्लीन यूज टू क्लीन एयर और बोथ डस्ट एंड गैसेज बाई पासिंग इट थ्रू अ ड्राई और वेट पैकिंग मटीरियल स्क्रबर्स के अंदर क्या करते हैं दोस्तों ये गीला कपड़ा या सूखा कुछ चैम्बर यूज़ करते हैं ऑलैट right. इसी तरह से है बट ये डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर क्या यूज करते हैं ये पानी या इस तरह का पदार्थ तरल पदार्थ यूज़ करते हैं जिससे कि क्या है जब आप गैस छोड़ते हो इसके अंदर कोई भी पोल्यूटेड गैस आती है तो वो क्या करती है इसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर्स इसमें चिपक जाते हैं ऑलरट right. इसमें चिपक जाते हैं और दूसरी जो गैस है वो पास हो जाती है ऑलट दोस्तों तो ये होते हैं स्क्रबर्स इसको कहते हैं स्क्रबर्स ऑल राइट इसमें कोई तरल पदार्थ ज़्यादा करके पानी का इस्तेमाल करते हैं कोई गीला कपड़ा या गीला कोई एकदम लेयर रखेंगे जिसके थ्रू वो हवा छोड़ेंगे जो पोल्यूटेड एयर है उस वायु को छोड़ेंगे समझ लो ये चिमनी के अंदर लगा दिया चिमनी के अंदर लगा दिया तो जो हवा जा रही है पोल्यूटेड एयर जा रही है वो क्या करेंगे जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो कण है छोटे छोटे कण हैं प्रदूषक कण है वो इसमें चिपक जाएंगे ऑल राइट और नॉर्मल जो हवा है वो बाहर हवा में उड़ जाएगी समझिए आप तो ये दो नाम याद रखना अरेस्टर्स और स्क्रबर्स अब गैसियस पोल्यूटेंट्स यानी कि जो गैसियस पोल्यूशंस हैं हवा जो आ, गैस फॉर्म में है पोल्यूटेंट्स उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए उसे कंट्रोल करने के लिए या तो फिर उसे नष्ट किया जा सकता है कम्बशन या तो उसे जला लें कम्बशन मतलब जला लें उसे या फिर एब्जॉर्पन एबजॉर्प्शन यानी कि उसे घोला लें है ना उसको किसी में एब्जॉर्ब कर लें यानी कि कोई समझ लो कि कुछ भी पोल्यूटेंट्स हैं उसको किसी लिक्विड के थ्रू भेजा हमने लिक्विड के थ्रू भेजा और क्या हुआ उस लिक्विड के अंदर ऐसे केमिकल थे जो उसने क्या किया कि जो अपने गैस पार्टिकल्स हैं जो पोल्यूटेंट्स हैं उसको इसने घुला लिया ऑलराइट और बाकी नॉर्मल गैस को बाहर भेज दिया या फिर जो भी है इसको घुला के अंदर रख लिया वो तो है एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन बोले तो एब्जॉर्ब कर लेना है ना अंदर खींच लेना और तीसरा है आपका एब्जॉर्प्शन एबजॉर्प्शन अलग है दोस्तों इन दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों मैं बता देता हूँ एबजॉर्प्शन में तो क्या होता है एबजॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई भी जैसे कि कोई एयर है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है इसका मतलब इसके अंदर घुल जाती है इसके अंदर तक चली जाती है ऑल राइट right. इसके अंदर जैसे कि हम एयर को एब्जॉर्ब कर लें या फिर आप स्पंज का एग्जाम्पल ले लो एक स्पंज आपने देखा होगा कपड़ा देखा है कपड़े के ऊपर आप अगर पानी डालोगे तो क्या करेगा वो उसको सोख लेगा तो ये सोखना जो कहते हैं वो होता है एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या होता है दोस्तों एबजॉप्शन में क्या होता है कि कोई पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल या फिर सॉलिड पार्टिकल आपके जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनको इसके सरफेस पे सरफेस पे चिपका लें चिपका ले ऑलराइट ये अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना है उसके सरफेस पे चिपका रहा है ऑलराइट उसको कहते हैं एबजॉप्शन ऑलराइट दोस्तों ये है इस तो दोनों में डिफरेंस ये इसका मतलब ये इसको सोख नहीं रहा है अंदर ये सिर्फ ऊपर सरफेस पे इसको चिपका रहा है जैसे कि आपने सुना होगा कार्बन ब्लैक के बारे में ऑलराइट काफ़ी बार अभी आजकल तो वो एड्स वगैरह आते हैं है ना फेस वॉश के ऐड आते हैं कि इसमें कार्बन है ऑलराइट और कार्बन क्या करता है आपके जो स्किन पर जो भी डर्ट पार्टिकल्स है इसको खींच के मतलब वो उसके अंदर एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो एक तरह से कि जो फ्री कार्बन है वो एक्चुअली क्या करेगा आपके जो डर्ट पार्टिकल्स है इसको ये चिपका लेगा अपने ऊपर और पानी के साथ निकल जाएगा ये खुद भी चला जाएगा भारी होगा पानी के साथ निकल जाएगा और आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ऐसा कोई क्लेम मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये क्लेम सही है कि नहीं बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी का उसका मतलब क्या है एडजॉर्प्शन का ऑल राइट ओके कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ऑटोमोबाइल निकास का नियंत्रण अभी जो ऑटोमोबाइल यानी अपनी गाड़ी से जो धुआं निकलता है इसको कैसे कर सकते हैं हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्लाई ऐश इज थर्मल पावर प्लांट बिल्कुल सही थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज्यादा निकलता है फ्लाई ऐश ऑल एट दोस्तों कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एक तो कैटलिटिक कन्वर्टर लगा दें हम कहाँ पे कैटेलिटिक फिल्टर लगा दें गाड़ियों में ये क्या करेगा दोस्तों ये एक्चुअली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ रही है गाड़ी उसको क्या करेगा ये तोड़ देगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑल right? उसको ये तोड़ देगा नाइट्रोजन और ऑक्साइड में इस ऑक्सीजन को तो फिर आप आगे हाइड्रोजन से मिक्स करके एच बना सकते हो और राइट वाटर बना के इसको किसी भी फॉर्म में आप बाहर भेज सकते हो या फिर ओ टू फॉर्म में भी आप बाहर भेज सकते हो पर ये मेन क्या है इसको तोड़ देता है ऑलराइट right? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को बाहर नहीं छोड़ता और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ देता है ऑलराइट right, दोस्तों तो ऑक्सीजन या तो ओ टू फॉर्म में आप भेज सकते हो या फिर एच टू ओ फॉर्म में पर तो मेन चीज क्या है ये फिर बाहर जाके आपके रिएक्ट नहीं करेगा स्मॉग नहीं बनाएगा फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं बनाएगा ओजोन नहीं बनाएगा ऑलराइट right, दोस्तों तो सबसे पहले ये क्या हो गया आपका कैटलेटिक कन्वर्टर फिल्टर आपका लगना चाहिए व्हीकल्स में दूसरा आपका जो ऑटोमोबाइल फ्यूल है अपने जो भी पेट्रोल डीजल जो भी यूज़ हो रहा है वो गुड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का हो दूसरा अपने पेट्रोल के अंदर लिड ना हो यानी सीसा जिसे कहते हैं लिड ना हो यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सी एन का यूज़ होना चाहिए है ना इसको रिप्लेस कर देना चाहिए पेट्रोल और डीजल को किससे सी से, से. इससे काफ़ी कम पोल्यूशन होता है ऑल राइट right, दोस्तों ठीक है आगे चलें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या पहल करी है वो देख लेते हैं जल्दी से ऑल राइट right. सबसे पहला नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम तो ये एक कार्यक्रम चलाया है हमारी सरकार ने ऑल राइट दोस्तों ये किसके अंडर चला हुआ है ये चला हुआ है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बोर्ड के अंडर ऑल राइट जो हमारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अंडर वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं ऑलराइट वो इसे एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को ऑलराइट पूरे अपने देश में इसका काम क्या है दोस्तों इसका काम है एम्बियंट एयर क्वालिटी चेक करना एम्बियंट एयर क्वालिटी चेक करना एम्बियंट का मतलब क्या है एम्बियट का मतलब है जो अपने आसपास की जो हवा है एम्बियंट एयर का मतलब होता है जो आसपास की अपनी हवा है उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करना उसकी क्वालिटी को चेक करते रहना ये काम है किसका नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इसके लिए इसे लॉन्च किया है एम्बियट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए ऑलराइट right, इसके अंदर 308 स्टेशन बनाए गए हैं मॉनिटरिंग ऑपरेटिंग स्टेशन बनाए गए हैं और कितनी सिटीज़ में लॉन्च किया है 115 सिटी के अंदर 115 सिटी के अंदर 25 स्टेट और चार यूनियन टेरिटरी में इन सब में मिला के एक सिटीज़ के अंदर लॉन्च किया है इसे ऑलराइट right, और इससे क्या चेक करेंगे हम एम्बियट क्वालिटी चेक करेंगे हमारी आसपास की जो हवा है उसकी गुणवत्ता चेक करेंगे उसकी क्वालिटी चेक करेंगे और इसके अंडर इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं पहले जल्दी से इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डिटरमाइन स्टेटस एंड ट्रेंड ऑफ एम्बियंट एयर क्वालिटी यानी कि हमारी जो आसपास की हवा है हमारी जो हवा है परिवेशी वायु है इसकी गुणवत्ता चेक करी जाए और इसके इसका जो ट्रेंड है वो देखा जाए ट्रेंड का मतलब क्या है कि इसमें जो समझ लो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसका क्या हुआ है पहले कहाँ थी इसके अब कहाँ है स्तर ऊपर हुआ है कम हुआ है सल्फ़र ऑक्साइड का स्तर ऊपर हुआ है नीचे हुआ है ओजोन का ऊपर हुआ है नीचे हुआ है ये सब फैक्टर्स देखे जाते हैं इसके अंदर ऑलराइट ट्रेंड देखा जाता है ठीक है फिर टू असर्टन वेदर दी प्रस्क्राइबड एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर वॉयलेटेड ये इंपॉर्टेंट है और क्या है इसका एक और ऑब्जेक्टिव इसका उद्देश्य है कि ये चेक करा जाए कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड जो हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि भैया नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसकी इतनी लिमिट होनी चाहिए सल्फर ऑक्साइड है इसकी लिमिट इतनी होनी चाहिए ये कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है इसको वॉयलेट तो नहीं कर रहा है ये भी हमें देखना है टू आइडेंटिफाई नॉन अटेंडमेंट सिटीज ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी सिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि भैया जहाँ पे ये जो वॉयलेट हो रहा है जो अटेंड नहीं कर पा रही यानी कि क्या है कि जो नियंत्रण में नहीं ला पा रही है जहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसी सिटीज़ को इस ऐसी सिटीज़ को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई किया जाए उनको पहचाना जाए ऑलराइड right, फिर उन पर काम किया जाएगा पहले ऐसी सिटीज़ को पहचाना जाएगा फिर देखेंगे वहाँ पर क्या कारण है और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फिर प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स लेना यानी कि प्रिवेंटिव एंड सुधारक सुधा सुधारात्मक उपाय लेने हैं ऑल राइट फिर आपको एक और चीज़ है इनका ऑब्जेक्टिव ये टू अंडरस्टैंड दी नेचुरल क्लिनसिंग प्रोसेस यानी कि जो नेचर नेचर का क्या है मैंने हमेशा कहा था कि नेचर का क्या है नेचर अपने आप क्या करता है एक तरह से बैलेंस करता है चीज़ों को तो नेचर में जो भी पोल्यूशन हो रहा है तो नेचर भी क्या है उसको एक तरह से बैलेंस कर रहा है ऑल राइट right, तो उसके खुद के प्रोसेस हैं क्लीनिंग प्रोसेस हैं वो कैसे सफाई कर रहा है इस एयर पोल्यूशन की इसको स्टडी किया जाए इसको स्टडी करने का क्या फ़ायदा है दोस्तों इसको स्टडी करने का फ़ायदा ये है कि हम देखें कि नेचर के अंदर जो हो रहा है क्या हम उसे रेप्लीकेट कर सकते हैं क्या हम भी वो प्रक्रिया कर सकते हैं मतलब हम कैसा कुछ बनाए कोई टेक्नोलॉजी बनाएँ कि वो का वो हम रेप्लीकेट कर सकें मैन मेड बना सकें ऑल राइट ताकि ये क्या कर सकें एयर पोल्यूशन कम हो क्योंकि नेचर जो करता है वो बहुत एफिशियंटली करता है बहुत एफिशिएंटली करता है वहाँ पे कोई गलत प्रभाव नहीं होता गलत प्रभाव होने के बहुत कम चांसेस होते हैं ज़्यादा करके वो बहुत ही एफिशिएंटली उसे मैनेज करता है तो हम भी वो ये चीज़ें इसलिए सीखना चाहते हैं तो इसका एक और उद्देश्य है कि ये नेचर में जो कैसे क्लिनसिंग हो रही है ऑलरेडी सफाई प्रक्रिया कैसे चल रही है उसे देखे उसे समझे और उसे अप्लाई करना का अप्लाई कैसे किया जाए इस पर विचार करें आगे बात कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अभी बात करी थी हमने कि भैया वहाँ पे उस प्रोग्राम में क्या था उसमें ये चेक करना था कि नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है इसका कोई वॉयलेसेशन तो नहीं हुआ है तो ये स्टैंडर्ड्स क्या हैं ये देख लेते हैं हम ऑलराइट right. और ये भी किसके अंडर में आते हैं ये आते हैं आपके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर ऑलराइट right. इन्होंने ये स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए हुए हैं और इन्होंने इसको इनको ये किसने हक दिया या पावर दी ताकि ये ऐसे एम्बियट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इस तरह के जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं ये बना सकें इनको ये पावर मिली है एयर एक्ट से एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 जो एयर पोल्यूशन एक्ट है हमारा 1981 का उससे इन्हें ये पावर मिली है ऑलराइट right, ये भी याद रखना आप ऑलराइट right, और वो जो प्रोग्राम है जिसमें ये मेन कौन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसके अंदर भी ये किसके अंडर हुए हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट नाइनटीन के अंडर वो प्रोग्राम भी इसके अंडर ही चलाया गया है और इसका भी उद्देश्य यही है एम्बियट एयर को चेक करना एम्बियंट एयर यानी कि आपकी आसपास की हमारे आसपास की हवा को चेक करना और राइट right, उसकी क्वालिटी को चेक करना अब सबसे पहले ये जो एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक जो है ये सबसे पहले 1982 के अंदर नोटिफाई किए गए थे कब किए गए थे 1982 में उसके बाद इनमें संशोधन किया गया इन्हें रिवाइज किया गया और इन्हें रिवाइज करके वापस नोटिफाई किया 1994 में ऑल right, दोस्तों ये 1994 के बाद सीधा 2009 के अंदर हमने इन्हें वापस रिविज़िट किया इसे वापस रिवाइज किया ऑल right, और हमने रिवाइज करके इसके अंदर 12 पोल्यूटेंट्स सूचकांक डाल दिए इनके बारे में हमें इनके बारे में हमें चेक करना है कि भाई ये कितने हैं इसकी क्वान्टिटी इसकी इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एयर क्वालिटी कैसी है तो बारह प्रदूषक हमने इसमें शामिल किए कौन कौन से है? एक एक करके देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो बारह के बारह हैं आपको याद करने हैं ऑलराइट राइट आपको ये याद रखने हैं और आगे मैं एक और चीज से कनेक्ट करूंगा इसे तो आपको उन दोनों में डिफ्रेंस भी रखना है ठीक है चलिए अभी देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन से है? आपका सबसे पहले है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाईऑक्साइड नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये आपके दोनों के दोनों थर्मल पावर प्लांट्स से निकलते हैं इनका सोर्स क्या है थर्मल पावर प्लांट से वैसे गाड़ियों के सोर्स से भी निकलते हैं गाड़ी के ईंधन से भी निकलते हैं आपको पता हो तो बी एस सिक्स हम जो अभी बात कर रहे हैं बी एस सिक्स क्या है भारत स्टेज सिक्स तो हम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं भारत स्टेज सिक्स हम गाड़ियों के अंदर इंजन जो इंजन है इंजन को चेंज करने की बात कर रहे हैं कि भैया इसके अंदर इससे क्या होगा सल्फर की जो क्वान्टिटी है सल्फर डाईऑक्साइड जो रिलीज होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा ठीक है तो आप देख लेते हैं वापस पॉल्यूटेंस कौन कौन से हैं सबसे पहला सल्फर डाइऑक्साइड दूसरा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तीसरा है आपका पार्टिकुलेट मैटर हैविंग साइज लेस देन टेन माइक्रोन यानी कि ऐसे आ, जो प्रदूषण के कण जिनकी साइज क्या हो टेन माइक्रोन से भी कम हो जिसे हम पी एम टेन कहते हैं और राइट जो पी एम टेन प्लस दूसरे आ, जो कौन से हैं दूसरे पार्टिकुलर मैटर्स जिनकी साइज हो पी एम टू फाइव तो आपका हो गया पी एम टेन और पी एम टू पॉइंट फाइव ये यहीं पे आपने सुना होगा काफी बार न्यूज़ में भी आता है ये ऑलराइट right, कि इनकी जो है आ, काफी हद तक बढ़ चुके हैं ये बढ़ रहे हैं और इसकी क्या इसकी क्या क्या दिक्कतें हैं इसकी काफी हद तक दिक्कतें हैं दोस्तों ये क्या करते हैं ये आपके फेफड़ों में जाके जम जाते हैं और फिर आगे क्या करते हैं आगे फेफड़ों वाली बीमारियां कर सकते हैं ऑलराइट right, ये कुछ नहीं छोट छोटे छोटे कर्ण होते हैं ठीक है तो पी एम टेन पी ये हो गए चार पाँचवा है आपका ओजोन ओ थ्री लेड यानी कि पी बी सीसा जिसे कहते हैं ऑलराइट पी बी इसका क्या है पीबी लिड फिर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड आर्सनिक ए आर आर्सनिक ऑलराइट निकल एन आई निकल ये आपके क्या है मेटल है आर्सनिक निकल बेंजीन पी बेंजीन है आपका जो सी सिक्स होता है सी सी सिक्स होना बेंजीन है बेंजीन छोड़ो आप ऐसा होता है इसका बेंजीन ऑलराइट बेंजीन अमोनिया और आपका बेंज़ो बेंज़ोप्राइन तो आपके ये बारह हो गए आपको बारह के बारह नाम याद रखने हैं एक बार फिर देख लेते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका पी एम टेन पार्टिकुलेट मैटर पी एम टू पॉइंट फाइव ओजोन लिड कार्बन मोनोऑक्साइड आर्सेनिक निकल बेंजीन अमोनिया और बेन्जोप्राइन ऑल तो ये सब आप नोट कर लेना इसे और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना इन्हें फिर हो गया आपका दूसरे आ जाते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये हाल ही में 2015 में ही अपने प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है ऐसा एक सूचकांक है ये इंडेक्स है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक ऑलराइट ये इंडेक्स है ये बताएगा कि आपकी आस, पा, एर, आस पास एम्बियंट एयर वही एम्बियंट आस की जो हवा है इसकी क्वालिटी कैसी है ऑलराइट इसकी क्वालिटी कैसी है और ये कहाँ पर लॉन्च किया है चौदह सिटी के अंदर लॉन्च किया गया है चौदह शहरों के अंदर लॉन्च किया था वहाँ की इंफॉर्मेशन एयर क्वालिटी की इंफॉर्मेशन जानकारी मिले वहाँ पे वायु की गुणवत्ता कैसी है ऑल राइट right, अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट इसको छः कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ये सूचकांक जो है ये छः कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑल राइट right, आपको छ कैटेगरी कलर वाइज कलर वाइज छः कैटेगरी में डिवाइड किया गया है किसमें गुड सेटिस्फैक्ट्री मॉडरेटली पोल्यूटेड पुअर वेरी पुअर सिवियर यानी अर्थात क्या है अच्छी हवा को ऐसे छः पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है या तो फिर वो किस कैटेगरी है जैसे अच्छी संतोषजनक मध्यम प्रदूषित खराब बहुत खराब तो ये हो गए आपके छः ऑल राइट ये कलर स्कीम है इस तरह की देखो आप ये जो ग्रीन है ये बता रहा है गुड यानी कि अच्छी है ये सेटिस्फैक्ट्री है ऑल राइट right. संतोषजनक है फिर आपका मॉडरेट है यानी कि मध्यम फिर आपका पुअर यानी कि थोड़ा खराब बहुत खराब और बहुत ज़्यादा खराब ऑल राइट right. ये इस कैटेगरी में कलर वाइज इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर रखा है ऑलराइट right, तो ग्रीन कलर है सबसे अच्छी जिसमें सबसे मिनिमम इम्पैक्ट होगा और ये इसका इंडेक्स भी देखा है जीरो से पचास तक हो अगर तो उसे गुड में डालेंगे उसको मिनिमम इम्पैक्ट है 51 वन टू हंड्रेड सेटिस्फैक्ट्री एक से 200 सौ मॉडरेट दो से 300 अगर इंडेक्स में आता है तो वो है पुअर 301 से 400 सौ वेरी पुअर और 401 से 500 या इससे ज़्यादा है तो सीवियर सीवियर यानी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खराब है हवा का जो क्वालिटी है एयर क्वालिटी है वो काफी खराब है ऑलरेडी right, दोस्तों फिर इसके अंदर 8 पोल्यूटेंट्स इंक्लूड किए गए हैं 8 पोल्यूटेंट्स इंक्लूड किए गए हैं इंपॉर्टेंट अब इसको कनेक्ट करना आप किससे इससे नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से एंबिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इसमें है 12 याद रखना इसके अंदर है 12 वहां है 8 आठ इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी आप इसलिए इस चीज़ को काफ़ी बार देख लेना मैंने इसको हमेशा क्या करता हूँ मैं इसको इंडेक्स बना के दो साइड में रख लेता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ कॉमन कॉमन कौन कौन से हैं ऑल राइट right. तो कॉमन में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी जो अलग से हैं उनको बहुत अलग से ध्यान से देख लेना तो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर हमारे पास कितने हैं बारह और जबकि नेशनल एयर क्वालिटी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सूचकांक है इसमें हमने कितने हैं इसमें हमारे पास है आठ कौन कौन से हैं पी एम टेन PM 2.5 particulate matter, 10 particulate matter 2.5, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, ozone, ammonia, and PB. PB यानी lead, सीसा, ठीक है? तो ये आपके हो गए आठ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों? तो आप इन चीजों को नोट में रखना, गलती नहीं करना। ठीक है काफी बार एग्जाम्स में ये हॉट टॉपिक है इसीलिए पूछा जाता है यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए भी दे देंगे ठीक है तो ये याद रखना आप प्लस ये जो सूचकांक है ये निकाला जाता है बारह घंटे के अंतराल में कि बारह घंटे में क्या चेंजेस आए हैं ऑन एन एवरेज उसके हिसाब से ये सूचकांक निकाला जाता है ऑल राइट right, दोस्तों ठीक है दोस्तों ये था आज की क्लास में आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो इसी के साथ एयर पोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो जल्दी से जल्दी जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन पे क्लिक कर लो ऑल दबा लेना है इस पर ठीक है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें प्लस लाइक एंड शेयर जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दो ठीक है दोस्तों ओके राजस्थान एग्जाम्स लेट्स क्रैक इट मिलते हैं वापस अगले क्लास में तब तक के लिए टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल